नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव होने में गिने चुने कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन अब भी राजनीतिक दलों के बयानबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सत्तारूढ़ एनडीए के नेता हो या विरोधी महागठबंधन नेता, सभी अपने अपने बयानों से एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हैं। साथ ही अपने दावे और वादों से जनता को रिझाने का भी काम कर रहे हैं। हालांकि सभी के दावे और वादे लगभग एक जैसे ही हैं कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगी और बिहार में विकास की गंगा बहा देंगे। लेकिन चुनाव से पहले के वादे चुनाव के बाद कितने पूरे होते हैं, ये तो बिहार की जनता आज तक देखती आई है। सभी दलों के नेता और उम्मीदवार आज भी बड़े बड़े दावे कर जनता को रिझा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता तो बस जन सुविधा और विकास चाहती है। बीते दिनों चुनावी सभा में महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा था कि 10 लाख को नौकरी देने पर कहां से पैसे आएंगे। तेजस्वी यादव के बयान के बाद मुख्यमंत्री ने यह सवाल उठाए थे, लेकिन अब एनडीए के मुख्य सहयोगी बीजेपी ने बिहार में 19 लाख नए रोजगार देने और रोजगार के अवसर पैदा करने का दावा कर दिया है, जिसके बाद विरोधियों ने एनडीए और नीतीश कुमार पर रोजगार को लेके जमकर निशाना साधा। ये सिलसिला यहां तक ही नहीं रुका, अब विरोधियों के साथ साथ आम जनता भी यह सवाल कर रही है कि जब बीजेपी 19 लाख लोगों को रोजगार देकर पैसे दे सकती है, तो आरजेडी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के बाद वेतन क्यों नहीं दे सकते। नेताओं के तरफ से दिए बयानों को लेकर बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। हालांकि बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी समेत दोनों गठबंधनों के दलों की ओर से विकास और रोजगार मुहैया कराए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बार चुनाव में कोरोना वायरस भी मुद्दा बन चुका है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पकौड़े तलने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि हमने नौकरी देने का वादा किया, पकौड़े तलने की बात तो कहीं ही नहीं। वहीं बिहार चुनाव में कोविड-19 के वैक्सीन पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीते दिनों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एनडीए का विजन डॉक्यूमेंट्स को जारी करते हुए कहा कि विजन डॉक्यूमेंट्स के पहले पॉइंट में ही बिहार के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में चुनावी बयानबाजियों के साथ वादों और दावों की झड़ी लग गई है, लेकिन जनता तक किसकी बात पहुंच पाती है और इस शह और मात के खेल में कौन बाजी मारता है, इसका पता तो चुनाव परिणाम आने पर ही चलेगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।